व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक ही दिन पे दो इंडिया टीम को मैच खेलने हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या फिर किसी और टीम के खिलाफ, अगर भविष्य में जाकर ऐसा हुआ जो कि हो सकता है, चांसेज हैं ऐसे, तो अगर इंडिया को दो मैच खेलने हो, एक टेस्ट मैच खेलना हो और एक T20 मैच खेलना हो, तो इन दोनों मैचों की टीम्स क्या होगी। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। मैंने दो ऐसी टीम बनाई है, इंडिया टेस्ट 11 और इंडिया T20 11। तो दोनों टीमें मैंने बनाई हैं फ्रेंड्स। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये टीमें सही हैं और क्या आप लोग इन टीमों में से चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि जो ऐसी और इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। चलिए फ्रेंड्स, भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम टीम बनाते हैं टेस्ट 11। तो अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो नंबर एक पर मैंने वहां पर रखा है पृथ्वी शॉ को। पृथ्वी शॉ मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे टेस्ट ओपनर हैं। उन्होंने अपना डेब्यू किया था, उसके बाद बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग खेली थी। वो ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हो गए थे जिस वजह से उनको टेस्ट टीम से बाहर बैठना पड़ा। तो पर इस टीम में डेफिनेटली वो खेलेंगे, क्योंकि दो टीमें बनानी हैं हमें। तो रोहित शर्मा को मैंने T20 के लिए बचा के रखा है, तो इनका साथ देंगे, पृथ्वी शॉ का साथ देंगे फ्रेंड्स मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने भी अपना टेस्ट मैच में पूरा सिक्का जमाया हुआ है, अपनी जो पोजीशन है वो ओपनिंग पर फिक्स की हुई है इन्होंने। नंबर तीन पर कोई डाउट नहीं, वहाँ पर चेतेश्वर पुजारा, और नंबर चार पर विराट कोहली खेलेंगे और जो इस टीम की कैप्टनसी भी करेंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। नंबर पाँच पर भी फ्रेंड्स कोई भी डिबेट नहीं है, वहाँ पर अजिंक्य रहाणे खेलने वाले हैं। नंबर पाँच पर इन्होंने अपनी पोजीशन भी फिक्स की हुई है। नंबर छः पर फ्रेंड्स मैंने रखा है रविचंद्रन अश्विन को, जो कि एक अगर टेस्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। टेस्ट के लिहाज से रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे नंबर छः पर, और मेन वो आपके स्पिनर भी होंगे। और नंबर सात पर फ्रेंड्स सरप्राइजिंगली मैंने यहाँ पर रखा है ऋषभ पंत को। मैंने धीमान साहा के साथ नहीं किया, क्योंकि अगर आपने विकेट कीपिंग के लिहाज से देखना है कि विकेट कीपिंग कौन अच्छी करता है, मुझे एक विकेट कीपर चाहिए तो मैं रिद्धिमान साहा के साथ जाऊंगा। अगर मुझे एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए नंबर सात पर, जो कि नंबर सात पर आके सेंचुरी लगा सके, बड़ी बड़ी हिटिंग कर सके, आक्रामक रुख अपनाकर खेल सके, और बैटिंग के लिहाज से मैं देखूं तो ऋषभ पंत बेहतर ऑप्शन है रिद्धिमान साहा से। हाँ, अगर उस दिन पिच उस हिसाब से हुई, बॉलरों को मदद, लाइक पिच में बॉलरों को मदद हुई, स्पिनरों को ज़्यादा मदद हुई पिच में, तो शायद टीम इंडिया रिद्धिमान साहा के साथ चली जाए। पर मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के साथ उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि T20 ODI में भी उनकी जगह पक्की नहीं है। KL राहुल वहाँ पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी पहली सीरीज में उन्होंने फ्रेंड्स शतक जड़ा था, जो कि आज तक किसी भी विकेट कीपर ने ऐसा नहीं किया। तो मैं जाऊंगा नंबर सात पर ऋषभ पंत के साथ। आप इस बात से एग्री हैं कि नहीं है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और नंबर आठ पर फ्रेंड्स मैंने रखा है रविंद्र जडेजा को, जड्डू विल बी देयर, और ये दो इस टीम के स्पिनर हो गए, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। और नंबर नौ की बात करूँ फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने रखा है सेंसेशनल शामी, मोहम्मद शामी विल बी देयर। नंबर दस पर मैंने रखा है उमेश यादव, और नंबर ग्यारह पर वहाँ पर खेलेंगे ईशांत शर्मा। और फ्रेंड्स मैंने एक स्पेयर प्लेयर भी रखा है, नंबर 12 पर मैंने रखा है रिद्धिमान साहा को, जो कि एक स्पेयर विकेट कीपर होंगे इस टीम के साथ। और दूसरी टीम की बात करूं फ्रेंड्स, मैं T20 टीम की बात करूं तो नंबर एक पर वहां पर खेलने वाले हैं रोहित मैन शर्मा, कोई भी डाउट नहीं है इसमें, और ये इस टीम की कैप्टनसी भी करेंगे। मैं इस टीम की कैप्टनसी एक सेफ हाथों में देना चाहता था, तो इसलिए मैंने रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में ना रखते हुए, टेस्ट टीम में मेरे पास बहुत प्लेयर थे लेकिन कोई कैप्टन अच्छा चाहिए आपको लीड करने वाला टीम। तो अगर विराट कोहली वहाँ है, धोनी को आप खिला नहीं रहे, तो रोहित शर्मा डेफिनेटली T20 टीम में रखना चाहूँगा, इस टीम की कैप्टनसी भी उनको देना चाहूँगा। तो इनका साथ देंगे फ्रेंड्स वहाँ पर मैंने रखा है शिखर धवन को। और नंबर तीन की बात करूँ तो फ्रेंड्स वहाँ पर मैंने रखा है कमाल लाजवाब राहुल को, जो कि इस टीम की विकेट कीपिंग भी करेंगे। नंबर चार पर मैंने रखा है सुरेश अय्यर को, इनकी पोजीशन तो आप फिक्स ही समझिए नंबर चार पर, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने करके दी हुई है इंडिया की तरफ से। नंबर पाँच पर फ्रेंड्स वहाँ पर मैंने रखा है मनीष पांडे को। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर छह की बात करूँ तो वहाँ पर मैंने रखा है हार्दिक पांड्या को, T20 में तो पूरा नाम चलता है इनका, IPL ही चाहे आप उठाओ, चाहे आप कोई भी T20 का मैच उठा लो, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस जबरदस्त रहती है। नंबर सात पर फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर रखा है वाशिंगटन सुंदर को, जो कि बॉलिंग के ऑप्शन भी देंगे आपको, बैटिंग भी कर सकते हैं नीचे आकर वो। नंबर आठ पर मैंने रखा है फ्रेंड्स भुवनेश्वर कुमार को, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, शुरुआती ओवरों में आपको बहुत अच्छी बॉलिंग करके देते हैं, स्विंग कराते हैं बॉल को डेथ में, चाहे आप इनको बॉल दिला लो, स्लोअर बॉल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर नौ की बात करूँ तो फ्रेंड्स वहाँ पर खेलने वाले हैं दीपक चाहर। और नंबर दस पर मैंने रखा है इस टीम के एक और स्पिनर यूजी चहल को, युजवेंद्र चहल विल बी देयर। नंबर ग्यारह पर कोई डाउट नहीं, वहाँ पर खेलने वाले हैं बूम बूम जसप्रीत बुमराह। और इस टीम में भी मैंने जो नंबर 12 पर प्लेयर रखा है वो मैंने एक विकेट कीपर रखा है फ्रेंड्स, मैंने रखा है नंबर 12 पर संजू सैमसन को, जो कि एक स्पेयर विकेट कीपर होंगे इस टीम के साथ। तो फ्रेंड्स दोनों ही टीमें कुछ ऐसी दिख रही हैं, टेस्ट 11 टीम पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, उमेश यादव, शांत शर्मा, और एक हमारा जो एक्स्ट्रा प्लेयर है रिद्धिमान साहा। और T20 की बात करूँ तो वहाँ पर शिखर धवन, रोहित शर्मा, KL राहुल, सुरेश अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, यूजी चहल, जसप्रीत बुमराह, और स्पेयर प्लेयर जो हमारा होगा वो होगा संजू सैमसन।
तो फ्रेंड्स ये दोनों टीमें अच्छी दिख रही हैं, खतरनाक दिख रही हैं। ये टीम किसी भी टीम को टक्कर दे सकती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो चाहे वो कोई भी टीम हो। दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रांग है, दोनों टीमों के पास अच्छे कैप्टन हैं। एक टीम की कैप्टनसी करेंगे विराट कोहली, दूसरे टीम की कैप्टनसी करेंगे रोहित शर्मा। अगर यहाँ पर के राहुल, सुरेश अय्यर, मनीष पांडे है वहाँ पर भी, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन, पृथ्वी शॉ, जडेजा, मोहम्मद शमी, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं दोनों टीमों में। और फ्रेंड्स अगर आप इस टीम में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपनी पूरी की पूरी टीम बनाकर भी नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।